अच्छा आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, और आपके पास टाइम तो होता नहीं कमेंट्स पढ़ने का, तो हमारी पूरी एक टीम है, टीम क्या अर्चना जी, तो ये पढ़ती हैं सारे कमेंट्स। यस प्लीज। कृति ने कहीं फोटो डाली है, इट्स नॉट योर्स, नो इट्स माइन, इट इज आवर, सो लेट्स प्रोटेक्ट, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वाओ, पहली बार कृति से भी लंबा को देखा मैंने। जिराफ शूटिंग पे आया है या आप जंगल में गई हो? अच्छा नीचे किसने लिखा, वाह मैडम इसकी लंबाई अच्छी है, ये आपके साथ हीरो सही रहेगा। आगे दिखाओ। जिराफों के साथ खेलती हो इसलिए इतनी लंबी हो। और दिखाइए। लो जी, प्रैक्टिसिंग माय सिंगिंग, पर एक दिन बाथरूम के बाहर भी गाऊंगा। आज गाली से अनसुना कर दिया क्या? इतना महंगा बाथरूम बनाया है, दरवाजे पे कुंडी नहीं है जो गाना गाना पड़ रहा है। ये है एक्टर, नल खोलते हुए पकड़े गए तो गाना गाने लगे। और दिखाइए। मल्टी टैलेंटेड एक्टर, प्लम्बर का काम भी करते हैं। बस फाइव स्टार होटल क्या मिल जाए, ये सब हरकते ही सूझती हैं आम आदमी को। That's true. ये सच्चाई है। लो जी, लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू। ओहो इतनी इंग्लिश। आगे कमेंट्स दिखाइए रहा। Kapil has conveniently skipped my caption. Yeah, and the caption is the beauty of it. हाँ। तो हमें नहीं समझ आएगी। ब्यूटी तो ठीक है, हमें तो यही समझ आते हैं, मैडम घर से कुर्सी लेके कौन भागता है। बेकार में गाड़ी का वेट कर रही हो, इतनी लंबी हो, चार कदम चलोगी तो 2 किलोमीटर। मैडम कहाँ जंगल में बैठ गई, चींटी चढ़ जाएंगी। रिप्लाई, कहाँ तक चढ़ेंगी, बहुत लंबी है। आगे दिखा। ओ लाइट्स कैमरा एक्शन हैशटैग लूडो। इतने कैप्शन ठीक है, छोटे छोटे दिखाइए। टेंस हुए यार। बिजली तो दिख रही है, मीटर कहाँ लगा हुआ है भाई साहब। कपड़े पहने हैं अमिताभ बच्चन के, खड़े हो मिथुन दा की तरह और लग चंकी पांडे रहे हो, वाकई ही में मल्टी टैलेंटेड हो। कुछ भी कह, बंदे का फ्यूचर तो ब्राइट हो गया। हाँ। और ये आदमी अंधेरे में सिक्का ढूंढ सकता है। ध्यान से भैया, अगर गलत जगह करंट लग गया तो हम दो हमारे दो नहीं। ये सबसे फनी था। Just missing my new friend. वाह, पढ़ लिया तूने? हाँ, देखो। इतने से ही था ना, इसलिए उसे छोटा अटेम्प्ट किया। हाँ, छोटे-छोटे कैप्शन ठीक है। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो कृति, इसी बहाने मेरी माँ भी अपनी बहू को देख लेगी। आप भी पैर से ही बाइक रोकती हो क्या? मैं अब शीतल को मैसेज नहीं करूंगा कृति, बस तुम वापस घर आ जाओ। What? और दिखाइए। वाओ, न्यू टर्न टू गेट ए न्यू लुक फॉर न्यू कैरेक्टर। वाओ भाई क्या बात है यार, दिखाइए कमेंट्स। तुम वैसे ही अच्छे एक्टर हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। That's a huge ऐसी फोटोज डालोगे तो स्त्री आज ही आ जाएगी। हाँ जी, और राजधानी एक्सप्रेस आफ्टर एजिस। टुक मी बैक टू चाइल्डहुड, ऑन माय वे बैक टू ग्वालियर, सम लुक का छुपी इन द ट्रेन। जी दिखाइए इसके कमेंट्स। हमें तो भीड़ भाड़ ही मिलती है, अकेली बैठी हुई है। कंबल मत लेके जाना, उस पर रेलवे लिखा रहता है। जूते पंखे के ऊपर रख देना, चोरी हो जाएंगे। ये तो कमाल की ऑब्जर्वेशन होता है। एक्सपीरियंस वाले। ट्रेन में आपके फोटो वाला पेपर सोप मिलता है, आपको उसका कितना परसेंट मिलता है? क्या मतलब? फोटो वाला पेपर सोप मिलता है? What? They keep using actors and actresses photographs faces, ना, on the... अरे पर पैसे नहीं दिए। वो मिलते भी नहीं कभी। आगे दिखाइए। पर्दा लगा लो, सामने वाली ट्रेन का टीसी कूद जाएगा। नॉन सेंसिटिव गर्ल।
कितनी ही क्यूट बन लो टिकट तो लेनी ही पड़ेगी. वाओ, दिस वन इज गुड. काजी, आपकी फिल्म दिवाली पे रिलीज हो रही है. हाँ जी. तो दिवाली पे नॉर्मली घरों की सफाइयां वाइयां करने पड़ते हैं ना, आपने कभी बचपन में करी है? मुंह पे कपड़ा बांध के जाले वाले उतारे हैं आपने? मुंह पे कपड़ा बांध के? मुंह पे कपड़ा बांध के गांव में? हाँ, कपड़ा भी नहीं बांधते थे. हाँ हाँ, एक्चुअली तब तो ऐसे थानी की मिट्टी घुस जाए, तो मिट्टी में खेलते थे सारा दिन, मिट्टी में रहते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था. पर हाँ, बहुत किए. मतलब घर की एक एक कोने में सामान निकाल के, झाड़ू से डस्टिंग, जाला निकालना, सब किया. जैसे हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी हमें बेड के नीचे घुसाना, पेटियों के नीचे. पर मैंने, हाँ हाँ, वो होती ना बड़ी पेटी, संदूक, संदूक बड़ा वाला लोहे का जिसके ऊपर छोटे छोटे संदूक रखते हैं. तो वो ऊपर मैंने देखा, जो बच्चे मिट्टी में खेलते रहे हैं ना, उनको ना ये छोटे छोटे खांसी जुकाम नहीं होते जल्दी. तो इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. हाँ. आपने भी घर का काम किया है कि स्माइल दे के गली के लड़कों से करवा लेती थी सारा काम? मैंने बहुत काम किया है. इनफैक्ट घर पे ऐसे बांट लेते थे, कोई एक झाड़ू कर रहा है, एक पोछा मार रहा है, एक डस्टिंग कर रहा है, फिर दिया और कैंडल्स और फ्लावर्स वगैरह सजाने का मेरा और मेरी बहन का काम होता था. सो दिवाली वाज ऑलवेज लाइक, पर ये सब दिल्ली में ज्यादा होता था. लेकिन आप जब आप दोनों एक्टर्स हो, तो आप दिवाली का कौन सा ट्रेडिशन है जो अभी तक फॉलो करते हो? रंगोली. अच्छा, रंगोली. या वो रंगोली ऑब्वियसली कभी फूलों से, कभी रंग से, जो उस टाइम पर मिल जाए. बट दैट इज समथिंग जो मैं और मेरी बहन एंट्रेंस पे हम करते ही हैं, खुद बनाते हैं. हाँ हाँ, वो हमारे घर में ऐसा होता था और मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, नहाने जाओ नहाने जाओ. बट द पॉइंट वाज कि मतलब बना के ही जाएंगे ना, तो वो शाम को खत्म होता था, तो हम एक्चुअली शाम को नहाने जाते थे. एंड यू राजकुमार, व्हाट डिड यू डू? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी सी डेकोरेशन करना, फूल लगाना पूरे घर में दरवाजों पे, और रंगोली बनाना, और पूजा की तैयारी जो है वो. पर मैं वैसे भी बहुत सफाई कॉन्शियस हूँ, तो मैं तो वैसे भी दिवाली हो चाहे ना हो, मेरे को जरा सी भी मिट्टी है तो मेरा एक वो हल्का सा एक ओसीडी है कि मुझे साफ करना है तभी की तभी. दूसरे घर का नहीं, अपने घर. पर मैंने देखा बड़े शहरों में, जैसे अभी दशहरा निकल के गया तो पता नहीं चलता. मतलब जैसे हम लोग अमृतसर में रहते थे ना, तो पूरे बाजार सजे होते थे, और मिठाइयों की दुकान जो होती ना, वो फिर सड़क पे निकल आते हैं, वो बढ़ा लेते थे आगे तक, आगे तक, और ऐसे 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 पूरा करेक्ट स्लाइड बना के, और बाजार घूमते रहना. हम तो ना जब रावण पूरा जल के ठंडा हो गया ना, लकड़ी लेके आते थे अगले दिन. हाँ, अगले दिन सुबह उठ के जाना, बम मिल जाते थे हमें, ये बम बचे होंगे, बच जाते ना कहीं. वो बड़े धमाके वाले बम निकलते थे. आपने कभी ऐसे किया जैसे पटाखे लिए और दिवाली वाले दिन नहीं चलाए, अगले दिन चलाएंगे जब सबके खत्म हो जाएंगे? ये सिर्फ पटाखों में नहीं, हर चीज में. जब मिठाई मिलती थी, अगर मुझे मेरे से 3 रसगुल्ले आए हैं, भाई के से 3, सबके बहन के से 3, तो मैं 2 खाता था कि एक जब इनका खत्म हो जाएगा फिर इनको चिढ़ा के खाऊंगा. तो मैं एक बात में निकालता था कि ये देखो क्या है. बचपन बहुत सही था. सीरियसली, वो जो मिठाई वाली बात आपने कही ना, मेरा भाई भी ऐसा करता था. मेरे पापा ने मूंगफली लानी या कुछ भी लाना, तो ये अपनी तेज तेज खा लेता था, ये बचाता नहीं था. पर अपनी खा के बोलता था, हुन असी दोवे खाइए. सामने बैठा हुआ देखो, ज्यादा खा के ना. असी दोवे खाइए. अभी इसने पेट खींच लिया, 4 सेकंड लगातार कैमरा रखो, बाहर आएगा. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.